नायन डैम के समीप नायन घाट की जहां बात की जाए तो चंबल नदी के किनारे जो नायन घाट बना हुआ है, काफी व्यवस्थित घाट बना हुआ है, जहां पर विशेष तौर पर आने वाले पर्व, बड़े सुंदर पर्व छठ पूजन को लेकर तैयारी की जाने वाली है। तैयारियां अभी से काफी से हम देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। पूरा जो क्षेत्र है उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु आएंगे, पूर्वांचल वासी आएंगे इस दिवस पर, जो महिलाएं, खासतौर पर महिलाओं को लेकर ये दिवस रहता है उसको लेकर महिलाएं जब आए तो उन्हें कोई ठंड के मौसम की जहां बात की जाए तो काफी लोग, अधिकतर लोग इस मौसम को काफी पसंद करते हैं। नए नए गंदगी को लेकर जो मवेशी परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मृत हो रहे हैं, उनको लेकर गोरक्षा जहाँ बात करें तो पिछले वर्ष 2015 में हुए सड़क दुर्घटना में 107 दुर्घटना हुई इन्हीं डेंजर जोन की वजह से, जिसमें तकरीबन 57 लोग घायल हुए और 11 लोगों की दिनों से काफी नागदा और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सुर्खियां बटोर रहा है। ये विषय है बनबना तालाब से शुरू होने वाली नहर को लेकर। ग्रामीण क्षेत्र इस वर्षों से बंद पड़ी नहर के को शुरू करने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व महितपुर की पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर जी कर रही हैं।